हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग और डिलीशियस सी जो है भिंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन भिंडी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के साथ जो है सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ भिंडी दो प्याज़ा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल इसे हम जो है आज बनाने वाले हैं। और दूसरी हम बनाएंगे दही भिंडी, जो खाने में ना बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग और डिलीशियस लगती है। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका टेस्ट एक बार आप चखेंगे ना तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी और जो है डिलीशियस लगती है ये। और तीसरी हम बनाएंगे भिंडी फ्राई, जो आमतौर पर हम अपने घरों पर रेगुलरली बनाते हैं, लेकिन ये भी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अमेजिंग और डिलीशियस लगती है। बिना चिपचिपाहट के एकदम खिली खिली आज हम बनाने वाले हैं भिंडी फ्राई। तो सबसे पहले बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस भिंडी दो प्याज़ा। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है इस तरह की जो है 250 ग्राम 250 ग्राम जो है भिंडी ली है। अच्छे से इन्हें मैंने जो है धो लिया है और धो के अच्छे से सूखे कपड़े से इन्हें जो है पोंछ लिया है। ये देखिए, इस तरह की जो ये भिंडी है, हमें इसके ये दोनों जो कॉर्नर है ना उन्हें अच्छे से कट कर देना है। ये देखिए, इस तरफ का कॉर्नर भी हम जो है नाइफ की हेल्प से कट कर देंगे और जो भिंडी का ये दूसरा कॉर्नर है इसे भी हम जो है कट करके हटा देंगे। ये देखिए, इस तरह की हमें जो है भिंडी सारी रेडी करनी है। एक एक करके सभी भिंडी के जो ये कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम जो है कट कर लेंगे और कट करके सभी भिंडी को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी भिंडी अच्छे से रेडी कर ली हैं। अब हम जो है एक भिंडी लेंगे और उसे जो है बीच में से कट करेंगे और इस तरह के इसके दो जो है ना पीसेस कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने हैं क्योंकि हम इन्हें जो है फ्राई करने वाले हैं और जब हम इन्हें फ्राई करते हैं ना ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं। ये देखिए, तो चलिए इन्हें अब फ्राई करते हैं। पैन में मैंने यहाँ पर डाला थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, आप जो भी ऑयल खाते हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम जो है भिंडी डाल देंगे और उन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें जो है फुल रखना है, हाई फ्लेम पे गर्म ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए बस हमें इन्हें जो है फ्राई करना है। और ये देखिए, गर्म ऑयल में झटपट से जो है ना ये इस तरह की हो जाएगी 2 से 3 मिनट में। अब यहाँ पर ऐड करेंगे अनियंस। मैंने जो है प्याज को जो है 4 टुकड़ों में कट कर लिया और उनकी जो ये लेयर्स होती हैं उन्हें इस तरह से जो है खोल लिया है और हमारे ये अनियंस रेडी हो गए हैं। इन्हें भी हम हल्का सा जो है पका लेंगे। ये देखिए, अनियंस भी हमारे अच्छे से सॉटे हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटे टमाटर लिया है और उसे जो है कट करके उसके जो है बीज निकाल लिए हैं। अब इन्हें भी हम जो है इनमें ऐड करेंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे। थोड़ा सा इसे भी जो है हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। हमारे जो अनियंस, भिंडी और टमाटर हैं वो अच्छे से अब जो है फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम चलिए कढ़ाई से निकाल लेते हैं। ये देखिए, सभी भिंडी प्याज को हम जो है अच्छे से निकाल लेंगे और इस तरह जो है एक स्ट्रेनर पर रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका निकल जाए। ये देखिए, हमारी जो भिंडी है वो बहुत अच्छे से रेडी है। चलिए अब इसकी ग्रेवी बनाते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और उसे हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही हमारा जीरा हल्का जो है भुन जाएगा हम यहाँ पर जो है एक मीडियम साइज़ के चॉप्ड अनियन जो है ऐड करेंगे और अच्छे से उन्हें स्टर कर लेंगे। ये देखिए, हमें इन्हें जो है हल्का गुलाबी होने तक जो है अच्छे से भून लेना है। और ये देखिए, अच्छे से जो है ये भुन गए हैं। अभी स्टेज पर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो जिंजर और गार्लिक का कच्चापन होता है ना वो अच्छे से जो है निकल जाए और हमारा जो ये अच्छे से भुन जाए। 2 से 3 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, उसे भी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारे जो मसाले जो हैं ये जले नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी जो मसाले हैं आपस में जो है अच्छे से जो है मिल जाएं और जैसे ही अपना ऑयल रिलीज़ करने लगेंगे यहाँ पर हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 छोटे टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इन्हें हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। और ये देखिए, हल्के से हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्टली कुक हुए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही डालने से बहुत ही जो है अमेजिंग फ्लेवर आता है भिंडी दो प्याज़ा में। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे हम जो है लगातार चलाते रहेंगे, अदरवाइज जो हमारी दही है ना वो फट सकती है। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये अपना ऑयल रिलीज़ कर दें।
1 टीस्पून जो है यहाँ पर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही जो है अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी हमारी भिंडी दो प्याज़ा में। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे मसाले ने जो है ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इस स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने भिंडी प्याज टमाटर जो हमने फ्राई किए थे और इन सब को है ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और उसे जो है ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए आप पकाइएगा। अच्छे से जो है ये सॉफ्ट हो जाने चाहिए। यहाँ पर ऐड किया है मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अच्छे से हम इसे जो है मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा जो भिंडी दो प्याज़ा है ना वो बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग है, ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए हमारा गर्मा गर्म भिंडी दो प्याज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ना रोटी चपाती नान पूरी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी अमेजिंग और डिलीशियस लगता है। ये देखिए हमारे जो है ना प्याज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसमें ना, ये बड़े बड़े जो प्याज है ना उसका टेस्ट, उनका जो क्रंच होता है ना हल्का हल्का, वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस भिंडी दो प्याज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है और ये ना खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। मुझे पर्सनली ये भिंडी दो प्याज़ा ना वाइट वाले राइस के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं दूसरी रेसिपी, दही भिंडी। दही भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह की जो है लंबी लंबी भिंडी ली है 250 ग्राम। उन्हें अच्छे से पानी से हम पहले वॉश कर लेंगे और सूती कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि उस पर कोई भी गंदगी ना हो। अब नाइफ की हेल्प से इसके जो ये दोनों तरफ किनारे हैं इसे हम जो है कट कर देंगे। ये देखिए भिंडी के बीच में हम इस तरह से नाइफ की हेल्प से कट करेंगे, अच्छे से जो है एक स्लिट लगाएंगे और भिंडी को इस तरह से खोल कर देख लेंगे भिंडी अंदर से खराब ना हो। इसी तरह से एक एक करके सभी भिंडी को हम इसी तरह से बीच में कट करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से कट हो जाती है और इस तरह से कट करके हम ये देख सकते हैं हमारी भिंडी अंदर से बहुत ही अच्छी है, या कभी कभी भिंडी में ना कीड़े वगैरह भी होते हैं तो उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैंने सारी भिंडी बहुत अच्छे से रेडी कर ली है। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 टमाटर, 2 प्याज, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 3 से 4 हरी मिर्च। 1 कप दही लिया है उसमें 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी। सौंफ और कसूरी मेथी से इसमें जो है ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए सारे मसाले दही में अच्छे से जो है मिक्स हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक पैन में लेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप अपनी पसंद का जो भी ऑयल खाते हो वो ले सकते हैं। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा अपनी भिंडी को हम उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से जो है शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम जो है भिंडी को जो है शैलो फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट जो है हमें अच्छे से इसे जो है इसी तरह से जो है फ्राई करना है। बीच बीच में आप इसे जो है स्टर करते रहिए। ये देखिए धीरे धीरे हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से फ्राई हो रही है, कलर जो है काफ़ी अच्छे से चेंज होने लगा है भिंडी का, आप देख सकते हैं। ये देखिए और अब इस स्टेज पर हमारी जो भिंडी है ना वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखिए अब हम इसे जो है कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। किसी भी जो है प्लेट पर आप जो है भिंडी को निकाल लीजिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हुई है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को कम कर दिया है और उसमें 2 जो है साबुत जो है लाल मिर्च जो है तोड़कर डाली है और लहसुन को चॉप करके हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से हम जो है इसे भून लेंगे। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। अब यहाँ पर मैंने जो है हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमें इसे भून लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो है प्याज को भी बारीक काट लिया है, उसे भी हम स्टेज पर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से भुन रहे हैं। फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये थोड़ा सा जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है लेकिन हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए, इसका जो कच्चापन है ना वो अच्छे से निकल जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमारे जो अनियंस हैं वो इस तरह के हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने जो है बारीक चॉप किया है। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। अच्छे से इन्हें जो है मिक्स कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए।
अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा दही वाला मिक्सचर, जिसमें हमने ऑलरेडी सारे मसाले जो हैं डाले हुए हैं। ये देखिए, दही को हम जो है स्टेज पर यहाँ पर डाल देंगे, और दही डालने के बाद इसे हमें लगातार कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहना है, ताकि हमारी जो दही है ना वो फटे नहीं। हमें इसे तब तक स्टर करना है जब तक एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। ये देखिए, जैसे ही हमारी दही में एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा, एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, तब हम जो है फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये देखिए, हमारी जो दही है ना वो काफ़ी अच्छे से पक रही है, काफ़ी अच्छे से उबाल आ गया है। ये देखिए, जैसे ही हमारी दही में उबाल आ जाता है ना, तो उसमें हल्का हल्का ऑयल रिलीज होने लगता है, बिल्कुल इस तरह का। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी दही बहुत अच्छे से पक गई है, ऑयल जो है पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। अभी स्टेज पर बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिए से भी ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है हमारी सब्जी में, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पर अपनी फ्राई की हुई जो भिंडी है उसे हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो दही के साथ घुल मिल जाएं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, आपको जैसी थिकनेस चाहिए हो आप उस क्वांटिटी में पानी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसे हम जो है लगातार 1 से 2 मिनट चलाएंगे, उसके बाद 2 मिनट ढक कर पकाएंगे, और 2 मिनट के बाद आप देखेंगे भिंडी जो है ना बहुत अच्छे से पक गई है, एकदम ढाबा स्टाइल हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। भिंडी ने अपना जो ऑयल है ना वो काफ़ी अच्छे से रिलीज कर दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी दही भिंडी बनी है। चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं, और ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म दही भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है ये। आप इसे ना रोटी, चपाती, नान, इनफैक्ट चावल के साथ भी आप इसे है ना बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम ढाबा स्टाइल इसका टेस्ट है। आप इसमें ना सौंफ और कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, उसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और फिर देखिएगा इसका स्वाद, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। जो भी इसे खाएगा ना वो बार बार पूछेगा आपने ये रेसिपी कहाँ से ली। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये दही भिंडी। चलिए अब बनाते हैं तीसरी रेसिपी, भिंडी फ्राई, जो बहुत ही आसान है। एकदम टेस्टी और क्रंची खिली खिली भिंडी फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1/2 kg भिंडी लेंगे और उसे इस तरह टुकड़ों में कट कर लेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट लिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, और यहाँ पर लिए हैं थोड़े से सूखे मसाले, जिसमें लिया है 1 teaspoon सॉल्ट, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon ग्रेट कश्मीरी पाउडर, 1/2 teaspoon आमचूर पाउडर और 1/2 teaspoon अजवाइन। 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें जो है 1/2 teaspoon अजवाइन डालकर अच्छे से उसे जो है भून लेंगे। फ्लेम को मैंने जो है लो रखा है। अब यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। देखिए, प्याज को ना आप बारीक काटिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है प्याज का। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही हम इसे भूनेंगे, ताकि इसका जो हल्का सा कच्चापन है वो निकल जाए। लाइट पिंक होते ही यहाँ पर अपनी भिंडी को हम जो है ऐड कर देंगे। भिंडी को मैंने ना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटा है, आप अपनी पसंद से जैसे भी चाहें इसे आप काट सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे ऐसे ही अच्छे से जो है रोस्ट करेंगे। ये देखिए, लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक इसे ऐसे ही भूनना है, ताकि भिंडी हमारी बिल्कुल भी चिपचिपी ना बने। ये देखिए, अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर डालेंगे हमारे सूखे मसाले, और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे भिंडी के साथ। हमने इसमें जो आमचूर पाउडर डाला है उससे हमारी जो भिंडी है ना वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, और अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट हमने इसे और भून लिया है। अब यहाँ पर अब हम इसे जो है ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और 3 मिनट के बाद एक बार इसे हम फिर से चेक करेंगे और एक बार इसे स्टर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम जो है इसे 2-2, 3-3 मिनट के बाद जो है 2 से 3 बार पका लेंगे अच्छे से, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी ना बने और ये चिपचिपी बिल्कुल ना रहे। फिर से 3 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे, और 3 मिनट के बाद ये देखिए हमारी जो भिंडी है ना वो काफ़ी अच्छे से पक गई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, एकदम खिली खिली हमारी भिंडी फ्राई बनी है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म भिंडी फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है ये सिंपल सी भिंडी की रेसिपी। आप इसे रोटी, चपाती, नान या राइस किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।
हमने इसमें जो अजवाइन डाली है ना उससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अजवाइन का फ्लेवर भिंडी में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है और अजवाइन ना डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। गर्मा गर्म हमारी टेस्टी सी सिंपल सी भिंडी फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी भिंडी की ये तीनों रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल चटपटी चटोरी रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।